नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनबी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। भारत के गणतंत्र दिवस 2022 के महज 2 हफ्ते दूर है, ऐसे में महाराष्ट्र पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। विशेष रूप से राज्य वर्तमान में ड्रोन अटैक अलर्ट जारी कर रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी के जरिए अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए मुंबई समेत महाराष्ट्र के सभी बड़े शहर अलर्ट पर। नागरिकों को भी जांच तंत्र के माध्यम से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। ड्रोन जितने खतरनाक है उतने ही उपयोगी। जम्मू कश्मीर और पंजाब में संभावित ड्रोन हमलों को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो हाई अलर्ट पर। जांचकर्ताओं को हाल ही में जानकारी मिली है कि मुंबई और महाराष्ट्र में ड्रोन हमले को अंजाम देने के लिए आतंकवादी डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने बताया है कि आतंकवादी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति डार्क नेट पर ड्रोन हमलों, रासायनिक हमलों और साइबर हमलों पर चर्चा कर रहे थे। सरफेस इंटरनेट की तुलना में डार्क नेट 99% है। डार्क नेट में टोर ब्राउजर का इस्तेमाल होता है जो आसानी से ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉक्सी ब्राउजिंग का इस्तेमाल होता है। मुंबई और अन्य महत्वपूर्ण शहरों पर ड्रोन हमले के लिए अक्सर अलर्ट जारी किया जाता है। ड्रोन हमलों को 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की दूरी से लक्षित किया जा सकता है। ड्रोन पर पेलोड लगाए जा सकते हैं, इसके अलावा उन्हें पीछे हटाना आसान नहीं है। यदि अपराधी मोबाइल फोन का उपयोग करता है तो उसके IMEI नंबर का पता लगाया जा सकता है, लेकिन अपराधी को वापस ड्रोन में नहीं खोजा जा सकता। इसलिए मांग की जाती है कि महाराष्ट्र में जल्द से जल्द एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाए। इससे पहले 12 अक्टूबर 2020 को मुंबई और उसके आसपास अचानक बिजली गुल हो गई थी। उस वक्त जांच में पता चला था कि यह एक साइबर अटैक था। जांच से पता चला कि महाट्रांसको कोर सर्वर पर 13 ट्रोजन हॉर्स थे। इस पृष्ठभूमि में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र सरकार देश में पहली बार साइबर सुरक्षा परियोजना ला रही है। यह परियोजना करीब 900 करोड़ रुपए की है और इसे नवी मुंबई के महापे इलाके में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए करीब 1 लाख वर्ग फुट जगह ली गई है। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़।